हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में ये देखने वाले हैं कि स्ट्रेट रिपीट होता क्या है और वो कैसे करें। ओके, मैं मॉनिटर में तीन डिजाइन्स ओपन करके रखा हूँ, एक फ्लावर है, एक बॉर्डर, एक अपस्ट्रैक्ट। वैसे तो इन तीनों को स्ट्रेट में कैसे रिपीट बिठाना है मैं आपको वो बताऊँगा। तो समझ लो, सबसे पहले एक न्यू फाइल लिया जिसको सपोज अभी के लिए 15x15 जस्ट 300 dpi ये दिया, RGB बैकग्राउंड 8-bit वाइट क्रिएट कर दिया। ओके, सबसे पहले इस फ्लावर को कॉपी करूँगा, यहाँ आकर पेस्ट करूँगा। ओके, अब यहाँ पे मैं एक सॉलिड कलर फिल कर दूँगा, वैसे ओके सॉलिड कलर फिल कर दिया। अब ये इस एलिमेंट को मैं कंट्रोल करके कॉपी करके रखा हूँ, इसको अगेन फिल्टर में जाऊँगा, अदर ऑफसेट, इन दोनों को पहले 0-0 कर देना है वैल्यू। स्ट्रेट रिपीट में इसको सीधा सीधा लेते चलना है। अभी समझ लो, इसको ऐसा रख दिया दोनों के बीच में, यहाँ ओके कर दिया। अब फिर से कंट्रोल पेस्ट की, जो हमने इससे पहले कॉपी करके रखा था उसको पेस्ट किया, यहाँ पर इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, यानी कुछ इस तरह से स्ट्रेट रिपीट। फिर इन दोनों को मर्ज किया और इसी को फिर से डुप्लीकेट लेकर आया, कंट्रोल करके क्रॉप कर दिया सेफर सेट के लिए, और इसको ऑफसेट में जाके फिर से ऐसे कर दिया, जो डिस्टेंस आपको चाहिए वो डिस्टेंस में इसको कर दिया। अब इसको थोड़ा सा अप एंड डाउन करना है तो कर लो, आप ऐसा कर दिया। अब इसको थोड़ा सा हल्का सा हिलाना है तो भी ठीक है, इसको डुप्लीकेट लेकर आके ऐसे रख के आप इसको फिल्टर अदर ऑफसेट, यहाँ पे 0-0 करिए, वैल्यू के 0-0 करके आप इसको देखिए, बिना किसी प्रॉब्लम का एकदम स्ट्रेट रिपीट बैठ गया, समझिए। तो इसको मैं अभी सेव कर लेता हूँ रिपीट 1 के नाम पे। ओके, अभी ये बॉर्डर को ये फाइल लेता हूँ, इसको कैसे स्ट्रेट रिपीट में कन्वर्ट करना है वो मैं बताता हूँ। समझ लो, इसमें आपको कॉपी किया, न्यू फाइल लिख के पेस्ट किया। अब इसको कैनवास इसमें जाइए, ये तो हम स्ट्रेट टू स्ट्रेट बैठेगा, परसेंटेज 200% नीचे करके, और उसी को डुप्लीकेट लिया कंट्रोल टी करके, ये पॉइंट को ऊपर रखा, यहाँ राइट क्लिक करके वर्टिकल कर दिया, तो ये हाइट में बैठ गया, मतलब इसको मैंने मर्ज कर दिया। अब क्योंकि हमने फ्लिप किया तो इसको जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्ट्रेट ही बैठेगा। अब इसको डुप्लीकेट लिया, कैनवास में गया, परसेंटेज 200, इसको डुप्लीकेट को हम यहाँ लग के ये रखा तो यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहा है। ओके, अब इसको ये प्रॉब्लम ना होने के लिए क्या किया, यहाँ से इसको मार्क किया, आउटलाइन को मार्क किया, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन किया, उस पर राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, नहीं तो शॉर्टकट से मैं किया हूँ, आप उस पर राइट क्लिक करिए, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन करिए, यानी ऐसे करके राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन आ जाएगा करके। इसको मैंने कॉपी पेस्ट करके रखा यहाँ पे, ये बॉर्डर को, फिर ये लेयर को बंद किया, फिर ऑफसेट में जाके इसको 0-0 किया, इसको बीच में लेकर आके रख के छोड़ दिया, ओके दे दिया, जो पहले कॉपी पेस्ट करके रखा उसको लेके इसे बीच में रख देंगे, जहाँ पे था वहाँ पे रख देंगे, तो फिर मर्ज कर देंगे, ये एक परफेक्ट रिपीट होगा, ये भी अच्छी से रिपीट में बैठ गया। तो इसको मैं रिपीट 2 करके सेव कर देता हूँ, रिपीट 2। ओके, इसको रिपीट 2 करके सेव कर दिया, ये मेरा रिपीट 2 हो गया। अब दैट अब्स्ट्रैक्ट, इसको मैंने कॉपी किया, एक नया फाइल ले रहा हूँ, इसको भी 20x20 लिया, 300 यहाँ पेस्ट किया। सबसे पहले इसको तो मैंने
सॉलिड कलर दे दिया, कोई भी कलर। ओके, अब इसको भी वही किया, स्ट्रेट टू स्ट्रेट इसको क्रॉप किया, ऑफसेट किया, जो कॉपी किया था उसको दोबारा पेस्ट किया, यानी बीच में उसको उस लेयर को नीचे डाला, कंट्रोल टी करके किया। अब इसको डुप्लीकेट लिया, क्रॉप किया, फिर ऑफसेट में जाके इसको ऐसे एडजस्ट किया, फिर उसी को भी डुप्लीकेट लिया कंट्रोल जे करके, फिर ऑफसेट में जाके इस तरह से एडजस्ट किया। यानी ये इजी तरीके से अपना काम बन गया रेट रिपीट के हिसाब से। ओके, अब आपको चाहिए तो इसको मैच कर दो, इसी का और एक डुप्लीकेट लेयर लिया कंट्रोल एच करके, आपको ग्राउंड ज़्यादा दे नहीं दिखाना तो इसी हिसाब से कर लीजिएगा। फिर चाहे तो इसको ओपेसिटी कम करिए, या फिर जो भी आपको रिपीट का ज़रूरी है उस हिसाब से आप करिएगा। फिर मैंने इन दोनों को मैच करके कलर के डप देने के लिए अभी काउस हल्का सा काउस दे रहा हूँ, आप देना जरूरत है, बस वो लुक के लिए मैं दे रहा हूँ। इसके लिए हम ये कलर्स के लिए हम बाद में एकदम डीपली सीखेंगे कलर्स कैसे करें, डब कैसे दे वो सब। ओके, देखिए सिंपल सा रिपीट ट्री हो, स्ट्रेट रिपीट एकदम सिंपल है। आप देख ही लिए कि कौन से एलिमेंट से लेके कैसे किया, एकदम सिंपल है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर कन्फ्यूज रहेगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। थैंक यू सो मच।